इसमें कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है, या यूँ कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, गृह मंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इनकी समीक्षा का परिणाम क्या है कि पूरे देश में किशोरों के अपराध में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। आज की घटना आपको मालूम है, पेपर में देखा है कि किस प्रकार से कुचल करके उनकी हत्या की गई है। और यदि हत्या के केवल बारे में हम कहें तो हत्या में ये प्रदेश चौथे स्थान पर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसमें चौथे स्थान पर है। आज एक प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, एक प्रदेश में भूपेश बघेल हैं। योगी जी जहाँ पर है वहाँ के अपराधी भाग करके छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और भूपेश बघेल जी जहाँ छत्तीसगढ़ में हैं वो अपराधियों के शरण स्थली बन गई है। चाकूबाजी की घटनाएं कभी हमारे यहाँ नहीं रही। ये मुख्य रूप से लोग जो बाहर से आ रहे हैं और आ करके चाकूबाजी की घटनाएं कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, और उसका परिणाम है कि यहाँ देख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे उसके आंकड़े हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे थे कि इस पर चर्चा हो, चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये प्रदेश बद से बदतर स्थिति में जा रही है, और ये बदतर स्थिति में जाने का जो है ये उसके लिए कोई दोषी है तो ये सरकार है कि जिस प्रकार के यहाँ पर अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है लगातार, हम लोग तो इंटरनेशनल गिरोह का भांडाफोड़ करने का काम यहाँ की पुलिस ने किया है। जिस प्रकार से पुलिस लगातार सक्रियता से काम कर रही है, अपराध जो बढ़े हैं उसको कैसे रोकने का काम, उसको लेकर भी लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही है, और साथ ही साथ पुलिस भी अब पेट्रोलिंग से लेकर तमाम चीज़ को करके उन लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जैसे जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं उन सबको पकड़ा जा रहा है। ढाई ढाई साल के मामले 3.5 साल में निकल गए, और जिस प्रकार से TS बाबा को अपमानित करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, 4 पेज का खुला उन्होंने पत्र लिखा, और उसके बाद में वो सदन की कार्रवाई में नहीं आ रहे हैं। एक मंत्री नहीं और भी मंत्री नहीं आ रहे हैं, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखेंगे कि मंत्री वहाँ पर नहीं है। तो ये जिस प्रकार से सरकार चल रही है, निश्चित रूप से ये गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति है कि सरकार के ऊपर मंत्री का भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। और वो यदि ये बात बोल रहे हैं जो आपने कहा कि हाईकमान ने कहा है कि अभी रुकिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय होने की संभावना है, ऐसा आसार दिखाई दे रहा है। देखिए, दोनों मंत्री जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, और दोनों ने जो उनके कारण है उसको बताया है। मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी को वायरल फीवर है, इस वजह से वो नहीं, और TS सिंहदेव जी तो पिछले कुछ दिनों से संगठन के काम से भी, और मैं समझता हूँ कोई और दूसरे काम से भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी दी हुई, और पहले से सबसे ज़्यादा सदन में रहने वाले वो दोनों मंत्री भी हैं।